Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि फ्रैंकलिन ने जब से लॉस्ट गैंग ज्वाइन करी है ना, वो हमारा पहले जैसा दोस्त नहीं रह गया है, वो हमारा बहुत तगड़ा दुश्मन बन चुका है. लेस्टर ने बोला था कि हमें उसे जाकर ना मार देना चाहिए, वरना वो बाद में हमारा बहुत नुकसान पहुंचा देगा. अब जब हम लोग उसे मारने गए थे तो भाई उसके साथ बिग माफिया के भाई के बॉडीगार्ड्स आ गए और बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया था. अब बिग माफिया के भाई को मारने के लिए हमने मिलिट्री कर्नल से हाथ मिला लिया, क्योंकि वो भी चाहता है कि माफिया जल्दी से जल्दी मारा जाए. तो सीन ये हुआ कि हमने ना क्या करा, शोरूम बेचने के बहाने उसे लॉस सैंटोस बुलाया और उसका पीछा करके ये पता करा कि आखिरकार ये रहता कहां पर है. बाकी यार एक सेकंड, ये कौन है? शायद से ही मुझे फ्रैंकलिन की आंटी लग रही है, बट ये मेरे घर पर क्या करने आई है? ओके, तो यहां पर ये एक सेकंड, ये मेरे घर पर ही आई है. अभी ना फिलहाल जल्दी से नीचे चलते हैं, पता नहीं इसको क्या ही बात करनी होगी. तो अभी ना देखो, सीन कुछ ऐसा है कि जब हमने बिग माफिया के भाई का पीछा करा था ना, तो उसका यहां पर घर वर नहीं है लॉस सैंटोस में, उसका एक बहुत तगड़ा बंकर है जिसके अंदर वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया था. तो हमने मिलिट्री कर्नल से पूरी बात करके एक तगड़ा प्लान बनाया और हमने उसे बोला कि मैंने एक बहुत तगड़ा टैंक चाहिए होगा बुलेट प्रूफ, क्योंकि उसके बंकर के अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है. तो उन्होंने बताया कि टेररिस्ट का ग्रुप है जहां पर तुम्हें टैंक मिल जाएगा, मतलब मिलिट्री वालों का टैंक इन्होंने चुरा के रखा हुआ था. तो अभी फिलहाल मैंने जाकर उन्हें मारा टेररिस्ट को, और थोड़ी देर बाद ही शायद से ना उन्हीं लोगों ने मेरे घर पर अटैक कर दिया. बाकी मेरे घर पर आकर किससे कॉल पे बात करिए, एक मिनट गाइस, पहले इससे बात करते हैं क्या सीन है. तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन की आंटी से बात हो गई है और गाइस ये कह रहे हैं कि ना तुम कुछ भी करके फ्रैंकलिन की जान बचा लो, उसकी जान खतरे में है. बिग माफिया का जो भाई है ना, उसने उसको अपने जाल में फंसाया, पहले पैसों का लालच देके लॉस्ट गैंग ज्वाइन करवाई, फिर अपने नीचे काम करवाने लग गया. और अभी पता नहीं क्या ही सीन था, फ्रैंकलिन का इससे फोन आया था और ये दोबारा कोशिश कर रहे उससे बात करने की, बट उसका नंबर यहाँ पर डायल नहीं हो रहा है. अभी यार देखो, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. हम लोग सोच रहे थे कि पहले बिग माफिया के भाई को मारेंगे, उसके बाद फ्रैंकलिन को मार के इन सबका खेल खत्म कर देंगे. बाकी यार यहाँ पर जूस नहीं है, और लास्ट टाइम इन्हीं बंदों ने माइकल की फैमिली पर अटैक करा था, और अभी फिलहाल माइकल की फैमिली यहां से जा चुकी है, मतलब कि वो एक दूसरी जगह पर रहने चली गई है जो कि एक सीक्रेट प्लेस है जहां पर गुंडों से कम खतरा है. अभी ना फिलहाल लेस्टर ही एक बंदा है जो कि हमें बताएगा हमें आगे क्या करना चाहिए, फ्रैंकलिन को बचाना चाहिए या फिर बिग माफिया और फ्रैंकलिन दोनों को मारना चाहिए. तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि ना तुम सबसे पहले तो अपनी सीक्रेट बेस पर पहुंचो, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए, वहां पर जाकर सीधा बिग माफिया के भाई का खेल खत्म कर देंगे. मतलब जो प्लानिंग थी ना पूरी की पूरी, वो आज की प्लानिंग थी. बाकी अभी जल्दी से ना ये जो इन टेररिस्ट की गाड़ी थी ना, इसी गाड़ी में मैं बैठकर जाने वाला हूं. बाकी यार अभी लेस्टर कह रहा है कि बीच पहले आ जाओ, फिर पूरा का पूरा सीन बताना आखिरकार हुआ क्या है और फ्रैंकलिन की आंटी घर पर क्या करने आई है. मतलब इस टाइम पर वो कह रहा है जल्दी से जल्दी पहुंचो, और इस टाइम पर हम लोग सीधा जा रहे हैं बिग माफिया के भाई को मारने के लिए. तो चलो यार अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सीक्रेट बेस पे. तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस में पहुंच चुका हूँ. यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना, इतनी ज्यादा चौड़ी है, फिर भी मैं इसे इतने बढ़िया तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखो, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग वैसे काफी ज्यादा अच्छी है. वैसे यार यहीं पर है लेस्टर का सीक्रेट बेस, तो अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं. और यार यहाँ पर तो ना एक से बढ़कर एक तगड़ी तगड़ी कार्स खड़ी हुई है, और शायद से ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे को लग रहा है अंडर वाटर माफिया और ट्रैवर ही लेकर आए होंगे. अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं सीक्रेट बेस के अंदर. और यार इतनी ज्यादा बढ़िया जगह पर इसने अपना नया सीक्रेट बेस बनाया ना भाई, मैं क्या ही बताऊं. ओके, तो अभी फिलहाल इसके अंदर ऐसा सीन है कि ये जो गेट है ना हमारे लिए खुल जाएगा, बट जो बाकी बंदे ना जिसकी फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रखी है उसमें, तो उसके लिए गेट नहीं खुलेगा. बाकी अभी फिलहाल लेस्टर, ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया तीनों यहां पर पहुंचे हुए हैं. ओके, तो यहाँ पर इनकी शायद से प्लानिंग चल रही है अभी क्या करना है हमें. तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि अभी ना हम लोग सीधा निकल रहे हैं मिलिट्री बेस के लिए, वहां पर अपने साथ ना जितने भी मिलिट्री है उनको लेकर हम लोग सीधा जाने वाले हैं बिग माफिया के भाई पर अटैक करने के लिए. तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम चारों चलकर बाहर गाड़ी में बैठते हैं एंड जल्दी से पहुंचते हैं सीधा मिलिट्री बेस. और हाँ गाइस, बीच रास्ते में मैं लेस्टर से फ्रैंकलिन के बारे में बात करूंगा कि उसकी आंटी आई थी और वो कह रही थी कि फ्रैंकलिन की कोई भी गलती नहीं है, उसकी जान खतरे में है, तुम कुछ भी करके उसे बचा लो. बिग माफिया भाई ने उसे बहुत ही बुरी तरह अपने जाल में फंसाया है. अब लेस्टर से बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कहता है. अभी फिलहाल ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं एंड फटाफट से हम लोग यहां से निकलते हैं. जल्दी आ जाओ भैया, वैसे भी ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी से मिलिट्री बेस पहुंचना है, अपने साथ मिलिट्री को लेना है और सीधा जाना है अटैक करने फ्रैंकलिन, वैसे फ्रैंकलिन नहीं, बिग माफिया के भाई के ऊपर. और अभी कुछ भी करके देखते हैं हम क्या करने वाले फ्रैंकलिन के साथ, वो तो बस अभी लेस्टर ही बताएगा. जल्दी से वाला गेट बंद करते हैं पूरे के, इतनी ज्यादा पार्किंग कर रखी है ना भाई, इतने तो घर नहीं है यहाँ पर जितनी पार्किंग हो रखी है भाई. मतलब इतने बड़े बड़े घर है वहां पर भी तीन चार गाड़ियां खड़ी होती है, बट कोई नहीं, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी यहां से बाहर निकलते हैं एंड फटाफट चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए और बात करते हैं फ्रैंकलिन के बारे में. तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने लेस्टर से ना फ्रैंकलिन को लेकर बात कर लिया है कि बिग माफिया के भाई ने ना उसे अपने जाल में फंसाया है, और लेस्टर कह रहा है कि ना उसे पहले से ही थोड़ा बहुत शक था बिग माफिया
मुनाफे के भाई के ऊपर कि ये कोई ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाएगा। और उसने सच्ची में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अपने दोस्त को ना पहले अपनी गैंग से निकलवा के लॉस्ट गैंग ज्वाइन करवा दी, उसके बाद आपस में लड़ाई करवा कर उसकी हेल्प कर दी ताकि वो उसका और अच्छे से दोस्त बन जाए। और अब पता नहीं क्या ही सीन है, फ्रैंकलिन का झटके से कॉल आया उसकी आंटी को और सीधा यही पता चलने पर आ रहा है कि फ्रैंकलिन की जान खतरे में है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता अभी फिलहाल, नहीं बिग माफी के भाई का ना हमें बहुत ही गंदी तरह मुंह तोड़ना पड़ेगा। पहले चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा पहुंचने वाले हैं, बस हमें आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को ना अंदर की तरफ में राइट लेना है। ओके तो भाई जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। और ये देख रहे हो ये कैसी ऑफ रोड व्हीकल है भाई, इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट कैसे लिखा रही है। ऑफ रोड व्हीकल इतनी गंदी ड्रिफ्ट नहीं खाती यार पहले बात। बाकी चलो कोई नहीं, हमें इतना ध्यान नहीं देना। ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस के लिए। और सर जल्दी से गेट खोलो, बहुत ज़्यादा भाई कोई है ही नहीं गेट पर, गेट मैं खुद ही तोड़ दूंगा भाई इतना ज़्यादा, क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं। जल्दी से ना अपनी गाड़ी को अंदर मोड़ते हैं। अपना दोस्त भाई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में है एंड हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टावर पे। एंड अभी फटाफट से ना कॉल करते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल को। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं चढ़ा रहा गाड़ी। ओके तो यहाँ पर एक मिलिट्री कर्नल और खड़ा हुआ है और अभी मैं एक बारी ना पहले कॉल ही कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से कॉल पे बात हो गई है और गाइस वो कह रहा है कि अपने सारे के सारे वेपन्स ना नीचे ही रखकर फटाफट से टावर के टॉप फ्लोर पर आ जाओ, वो हमारा वहाँ पर वेट कर रहा है। और वैसे यार उसने हमें साथ के साथ ना ये भी बोला था कि आज के बाद ना कभी भी मिलिट्री बेस के अंदर इस तरीके से एंटर होने की कोशिश मत करना। अभी फिलहाल हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं इसलिए इसने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि यार मेरे को वहाँ पर चेकिंग पर कोई दिखा नहीं, मैंने इसलिए सीधा गेट तोड़ दिया। बाकी मैंने अपने तो सारे वेपन्स रख दिए थे। अभी जल्दी से ना गाइस अभी हम लोग चलते हैं सीधा टॉप फ्लोर पर। उसने हमें सीधा टावर पे आने के लिए बोला है और यहाँ पर जितने मिलिट्री वाले हैं वो कुछ पूछताछ भी नहीं कर रहे, मतलब कि एक बार इनके लिए काम क्या कर रहा हूँ, ये तो सीधा फैल ही गया। जो भाई जल्दी से ओ एक सेकंड ये लिफ्ट तो भैया बंदी होने लग गई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस लिफ्ट के थ्रू मैं आ चुका हूँ सीधा टावर के टॉप फ्लोर पर। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर की तरफ में ना कुछ अलग ही टाइप के मिलिट्री सोल्जर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये शायद से स्पेशल है मिलिट्री कर्नल के। अभी जल्दी से ना हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, मतलब टावर का टॉप फ्लोर वो भी है बट एकदम जो टॉप फ्लोर है ना वहाँ पर उसने हमें मिलने के लिए बुलाया। और भाई मिलने के लिए बुलाया मारने के लिए बुलाया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो ओके ये खड़ा कर्नल, अभी जल्दी से हम लोग इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि यहीं पर ना तुम्हारे लिए मिलिट्री ड्रेस पड़ी हुई है, जल्दी से उस आउटफिट को पहनकर नीचे पहुंचो जब तक ये ना सारे के सारे सोल्जर्स को रेडी कर रहा है। तो जल्दी से गाइस हम लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर और मैंने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं और गाइस इस टाइम पर हम लोग ने पहन लिया एक बहुत तगड़ी मिलिट्री आउटफिट। तो अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा नीचे, क्योंकि इस टाइम पर ना मिलिट्री कर्नल ने जाकर जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी का सेटअप करवा दिया है। और ये देखो लेस्टर और अंडरवाटर माफिया यहीं पर रखे हुए हैं, क्योंकि यार अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि वो हमारे साथ नहीं चलने वाला है, वो यहीं पर रुक कर ना हमें पूरी कॉल पर कमांड देगा हमें कब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और उसको यहाँ पर अकेले छोड़ना भी बिल्कुल अनसेफ है, तो इसीलिए अंडरवाटर माफिया उसी के साथ रुकने वाला है। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर लिफ्ट के अंदर बैठकर चलते हैं सीधा नीचे। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर भी पहुंच गए हैं। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से बाहर और फटाफट चलते हैं मिलिट्री कर्नल के पास, क्योंकि काफी देर से वो बाहर हमारा वेट कर रहा है अपनी पूरी की पूरी फौज को लेकर। तो भी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार अभी ना फिलहाल टाइम आ चुका है बिग माफिया के भाई का खेल खत्म करने का, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था उसे कुछ ज्यादा ही छोड़ना हो रहा था, कभी ये शोरूम खरीदेगा कभी वो शोरूम खरीदेगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको मारेंगे और सारे के सारे उसके शोरूम भी गाइस हम लोग कब जाने वाले हैं। तो समझ लो आज से हम लोग कुछ ज्यादा ही डबल ट्रिपल अमीर बन जाएंगे। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो देखो वो खड़ा सामने की तरफ में मिलिट्री कर्नल एंड पूरी की पूरी फौज वहां पर तैयार है। और वो जो आप बीच में टैंक देख पा रहे हो ना, तो वही टैंक है जो कि हमने लास्ट टाइम टेरेस से चुराया था, मैंने तो ले जाकर पार्किंग में खड़ा कर दिया था लेकिन अंडरवाटर माफिया ने उसे बाद में यहाँ पर डिलीवर कर दिया था, ऐसा लेसर ने कहा था। क्योंकि मैं तो यार देखो बिजी हो गया था, अपने घर पर अटैक हुआ था बट उसके बीच ये सारा काम अंडरवाटर माफिया ने करा है। अभी जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल ट्रेवर और मैंने अपने अपना पहले तो हेलमेट लगा लिया और इस टाइम पर ना हमें मिलिट्री कर्नल से ऑर्डर मिल चुका है सीधा बिग माफिया के भाई पर उसकी फौज के साथ अटैक करने का। तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलकर हम लोग अपने टैंक में बैठते हैं और अपने साथ साथ ना इतने सारे मिलिट्री सोल्जर चलने वाले हैं और कुछ कुछ तो हेलीकॉप्टर भी लेकर आ रहे हैं। तो चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ना जल्दी से हम लोग इस टैंक के अंदर बैठते हैं। बाकी यार एक बार ना ये चीज आप लोग ध्यान से देखो, पहले अपना जो टैंक था ना वो कुछ अलग था बट मिलिट्री वालों ने इसे बहुत ज्यादा मॉडिफाई करा है, इसके अंदर पूरी की पूरी एमओ भर डाली है। फिलहाल मैं तो यहां पर आकर बैठ चुका हूं, ट्रेवर भी मेरे साथ यहां पर आगे आकर बैठ चुका है एंड यहां पर अभी ना दो सोल्जर्स जो हैं अपने साथ बैठने वाले हैं। तो पहले इनको बैठ जाने देते हैं एंड फटाफट से गाइस हम लोग यहां से निकलते हैं। बाकी लेस्टर उधर का जा रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, पता नहीं यार क्या सीन है। अभी ना जल्दी से हम लोग अपने टैंक को यहां से निकालते हैं एंड इस टाइम पर ना ये लोग अपने पीछे पीछे आने वाले हैं। वैसे यार एक सेकंड मुझे मालूम नहीं आखिरकार अपना टैंक यहां से बाहर कहां से निकलेगा, मुझे पहले ना वो चीज पता करनी पड़ेगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को ना यहां से अपने टैंक को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया, बस मुझे ना यार इस वाले कट से लेफ्ट लेना था। वैसे यार देखो पता है मैं थोड़ा सा ना रॉन्ग वे आ गया, पीछे से एक रास्ता
रास्ता और था, अगर मैं वहीं से लेफ्ट ले लेता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अभी फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग वे आ गया हूँ, तो मुझे इस साइड नहीं जाना, मुझे यहीं से सीधा चले जाना था ज़्यादा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी जल्दी से अपने टैंक को ना हम लोग यहाँ से राइट मोड़ते हैं, देन आगे से हम लोग लेफ्ट मोड़ लेते हैं एंड फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं सीधा मिलिट्री बेस से। और इस टाइम पर ना यहाँ का एक एक बंदा हमें सल्यूट कर रहा है क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मतलब जो अभी तक का सबसे बड़ा माफिया है उसको मारने जा रहे हैं। हमने मेनली ना बिग माफिया के भाई को ना लॉस सैंटोस इसीलिए बुलाया था क्योंकि यार उसको ना नॉर्थ एंगटन में मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, मतलब यार वहाँ पर ना उसके पास एक मिलिट्री जितनी पूरी की पूरी फोर्स है, यहाँ पर तो उसके पास कुछ गुंडे हैं जो कि उसके साथ हमेशा रहते हैं, उसके बॉडीगार्ड्स, बट वहाँ पर कुछ अलग सीन है। अभी फिलहाल ये वाला जो टैंक है ना इतना ज़्यादा हैवी है कि जब रोड पर चल रहे हैं ना तो समझ लो मेरे को ऐसा लग रहा है रोड टूट रहा है। देखो एक बार जमीन देखो, निशान देखो कैसा आ रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग अपना टैंक लेकर सीधा बिग माफिया के भाई के सीक्रेट बंकर तक पहुंचने वाले हैं। बाकी यार आपने एक बारी इस साइड ये देखो, लेफ्ट साइड में भी पूरा ट्रैफिक हो रखा है, राइट साइड में भी ट्रैफिक हो रखा है, बट ये जो बीच वाली लेन है ना मुझे नहीं पता ये किस लिए बनाते हैं, बट हाँ जो भी है पूरी की पूरी खाली पड़े। आराम से अपना जो टैंक है यहाँ तक तो फुल स्पीड में आ गया, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आगे उड़ जाना है। और बाकी तो यार ये देखो अपने पीछे दो दो हेलीकॉप्टर कैसे आ रहे हैं मिलिट्री वाले। बाकी मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही कि आखिरकार गाड़ी कहाँ पर रह गई। ओके तो अभी फिलहाल जो मिलिट्री वालों की आ रही है ना, मैं क्या है कि ना अपना टैंक बहुत तेज चला रहा हूँ इसलिए वो लोग पीछे रह गए। भी फिलहाल उनकी गाड़ी भी अपने तक पहुंच चुकी है, भी थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड कर देते हैं अटैक। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपने टैंक को लेकर पलीटू बे पार्क कर चुका हूँ और वो देखो राइट साइड में आ गया है बिग माफिया के भाई का सीक्रेट बंकर। लेकिन गाइस यार एक सेकेंड, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था तब तो यार यहाँ पर इसके कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं थे, बट यार अभी ना फिलहाल यहाँ की जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग एक बार ना राइट साइड में देखो, बाहर की तरफ में इतने ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं ना कि मेरे को तो लग रहा है कि इस टाइम पर ना टैंक से भी अंदर घुसना मुश्किल हो सकता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे तो लग रहा था कि मैं डायरेक्ट एंट्री मारूंगा, बट अभी ना फिलहाल मेरे को ना अपने ट्रक को पहले थोड़ा बहुत, ट्रक को नहीं सॉरी टैंक को पहले थोड़ा साइड लाकर खड़ा करना पड़ेगा। बाकी यार अभी ना फिलहाल रुक जाओ, इनकी ऐसी की तैसी तो मैं यहीं से कर दूंगा। एक अटैक मैंने यहाँ पर इनके ऊपर कर दिया है, इनके चार पाँच बंदे ना डाउन हो गए हैं। अभी फिलहाल ना रख रख के मैं इनके बचाने वाला हूँ। तो देखो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इनकी जितनी भी गाड़ियाँ ना वो मैं सारी की सारी ब्लास्ट कर दूंगा। बाकी यार एक सेकंड रुक जाओ, पहले ना मैं एक काम करता हूँ, अपने टैंक को ना मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा कर देता हूँ क्योंकि अभी ना फिलहाल ये जो टैंक है अपने अंदर जाने का काम आएगा। और अभी फिलहाल हमने इस शुरुआत से इसकी पूरी की पूरी हेल्थ खत्म कर दी ना, तो मुझे नहीं पता अंदर कितने गार्ड्स होने वाले हैं। अभी फिलहाल जितने भी बॉडी गार्ड इसके बाहर की तरफ है ना उनसे हम लोग यूं ही फाइट लेते हैं। बाकी यार वो देखो मिलिट्री वाले बंदे ना ऊपर से भी इनके ऊपर फायर कर रहे हैं। ओके भाई साहब काफ़ी सारे बंदे, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर जितनी भी गाड़ियाँ थी ना इनके ऊपर ब्लास्ट कर करके मैंने इन्हें फोड़ डाला। बाकी भी बेचारे ना कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर की तरफ में हेलीकॉप्टर को मार रहे हैं और यहाँ पर मैं पीछे से इनकी बैंड बजा रहा हूँ। तो रुक जाओ बिना फिलहाल जल्दी से हम लोग ना पीछे से चलते हैं, अभी इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा गंदे वाला, क्या ही धप्पा करके इनके ऊपर हमने अटैक करा बहुत गदर। और वैसे गाइस यार ये भी कोई कमज़ोर लोग नहीं है, अंदर से देखो कैसे सारे के सारे निकल कर आ रहे हैं। अभी फिलहाल ना एक के बाद एक मैं सबको डाउन करते रहूँगा और मुझे ना साथ के साथ अपनी गन को रीलोड भी करना है। भाई ऊपर से जो मिलिट्री वाले मार रहे हैं इन्हें हेलीकॉप्टर से, बेचारे बहुत गंदा पिट रहे हैं। वैसे मार वो लोग नहीं रहे, वो लोग बस इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लोग अपना सारा का सारा निशाना उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो देखो भाई किस तरीके से वो लोग इनको मार रहे हैं धड़ाईधड़। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर और जो बाकी मिलिट्री वाले बंदे थे वो भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी ना हमें मेरे को लग रहा है कि जल्दी से अंदर एंटर करना चाहिए। बाकी तो यार एक सेकंड रुक जाओ, वो देखो सामने की तरफ इन्होंने कितने सारे बंदे मार दिए हैं। और यहाँ पर ना मुझे इन्हीं की एक सीक्रेट वेपन मिल चुका है, मैं पहली बार इस गन को चला रहा हूँ। भाई ये कितनी ज़्यादा तगड़ी गन है। फिलहाल ना सारी की सारी एमओ हम लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं इसकी। बाकी तो ना अभी जल्दी से हमें यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा, भाई मुझे पता नहीं था ये इतनी ज़्यादा तगड़ी गन है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर ना जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स थे ना उनको पीछे की साइड पर लेकर गया। बाकी यार यहाँ पर ना अंदर से भी काफी सारे बंदे निकल कर आ रहे हैं। इस गन का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकसान है और वो नुकसान ये है कि जब भी हम इसे चलाते हैं ना तो हम लोग बिल्कुल भी कवर नहीं ले सकते। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ से ट्रेन भाई सब धड़ाधड़ यहाँ पर आए जा रही है, यहाँ पर अंदर ना काफी सारे बंदे हैं और इस टाइम पर ये लोग लड़ रहे हैं पीछे की तरफ में मिलिट्री वाले बंदों से। भाई सबको बचाना है बहुत गंदी तरह। और ये खड़ी बिग माफिया के भाई की रेंज रोवर, इसको भी हम लोग पूरा का पूरा ब्लास्ट करने वाले हैं। ओके तो चलो भी फिलहाल यहाँ पर हमने इसे ब्लास्ट कर दिया है। अंदर की तरफ से जितने बंदे भी आए थे ना भाई सबको हम लोग अभी बहुत ही बुरी तरह ढेर करने वाले हैं। मुझे पीछे की तरफ से ना कुछ बंदों की आवाज़ आ रही है बट कोई दिख नहीं रहा। ओके तो भाई क्या गंदी तरह मार रहे हैं लोग सबको। तो गाइस यार देखो मुझे तो लग रहा था कि हमने ना यहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार दिया है, बट अभी ना फिलहाल एक सेकेंड अभी ये क्या हो रहा है। ओ भाई साहब ये तो अंदर से ना और भी काफ़ी सारे निकल कर आ गए हैं, वो भी आरपीजी लेकर। अभी ना जल्दी से हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अपनी जो मतलब कि मिनी गन है ना इनकी वाली वो मैंने हटा दिया ताकि मैं यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा तेज भाग पाऊँ। भाई अभी ना फिलहाल ये बहुत गंदी तरह पागल हो गए हैं, भाई कितना ज़्यादा गलत सीन है। और अभी फिलहाल ये धड़ाधड़ आरपीजी मार रहे हैं।
अपने हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर इन्होंने डाउन कर दिया है। जल्दी से भागना पड़ेगा, बाकी तो अरे आरपीजी लेकर आ चुके हैं। रुको रुको रुको, पहले ना मुझे थोड़ा सा कवर लेना पड़ेगा ताकि अगर ये मेरे को आरपीजी मारने की कोशिश करे ना तो मेरे को लगे ना। अभी तक तो फिलहाल मजाक चल रहा था, बट अभी ना फिलहाल ये लोग बहुत गंदी तरह बचा रहे हैं। रुक जाओ, पहले भागना पड़ेगा। ये जो गन है ना गाइस, इसका एक यही बहुत गंदा नुकसान है कि जब भी हम इसे लेते हैं ना ढंग से हम लोग भाग नहीं पाते। वैसे यार देखो, मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यार इन लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी प्रिपरेशन तो कोई बंदा तभी करता है जब उसे पता हो कि इस जगह को खतरा है। मतलब यार एक तो बिग माफी के भाई ने हमें बोला था कि वो हमें पेमेंट कर देगा, बाकी वो देखो सामने की तरफ में बंदा है, बट अभी फिलहाल जमीन ऐसे हिल लेना मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो शायद से ये जो रडार है ना यहाँ पर नहीं था, बट अभी फिलहाल ये यहाँ पर है। तो ये जो सारा का सारा खेल है ना मुझे इसी का लग रहा है। बाकी ट्रेवर और मैं तो अपना भाग कर पीछे आ गए हैं। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल इस पूरी की पूरी जगह पर इतनी ज्यादा गंदी तरह आरपीजी चल रही है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब यार पहले ना इन्होंने छोटे मोटे बॉडी गार्ड्स भेजे थे, बट अभी ना फिलहाल बिग माफिया के भाई ने ना जितने भी खतरनाक बॉडी गार्ड्स थे ना सबको आरपीजी लेकर भेज दिया है। और यहाँ पर ये देखो भाई किस तरीके से लोग आरपीजी चला रहे हैं, मतलब आरपीजी यानी आरपीजी चल रही है। अभी फिलहाल भाई मैं तो इसीलिए पीछे आकर छुप गया हूँ क्योंकि मुझे ना ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। ओ तेरी भैंस की, भाई इतनी गंदी तरह ये जमीन हिल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ से एक तो मैं ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, इन्होंने पता नहीं क्या ही चीज़ बनाई है। रुक जाओ, बिना फिलहाल ये जो बंदे हैं ना इनको मैं पीछे स्नाइपर मारूंगा तभी ये मरने वाले हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने नकली सा हेलमेट पहन रखा है ना इसके अंदर पता नहीं भाई कौन सा हेलमेट है। ये देखो भाई बुलेट मारी उन्हें सीधा हेडशॉट, बट यार उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुक जाओ, एक बंदा ना यहाँ पर आगे जाके गिरा है, इसको तो यहाँ पर एक शॉट मैंने मारा, बट भाई इनको कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सा आर्मर लगाकर ये लोग आए हुए हैं, इनसे थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता गाइस अभी मैं फिलहाल अंदर कैसे जाऊंगा। सामने की तरफ में एक बंदा है, निकल यहाँ से। ओके, तो इसको तो फिलहाल यहाँ पर मैंने शॉट बजाकर डाउन कर दिया, बट मुझे नहीं पता एक शॉट में इसका कुछ होने वाला है या फिर नहीं। ओके, तो वहां पर ना मेरे हिसाब से और बंदे हो भाई, इतनी ज्यादा गलत फाइट। रुक जाओ, पीछे की तरफ में जो बंदे हैं ना मेरे को इनसे बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई शॉट भी मेरा मिस हो गया। ये बंदा ना काफी तगड़ा सोल्जर है, एकदम छुप छुप की फाइट ले रहा है, एक सेकंड के लिए भी कवर से बाहर नहीं निकल रहा। पीछे की तरफ में एक बारी लास्ट टाइम मैं चलकर देखता हूँ, वहां पर अगर कोई बंदा हुआ तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार अब हम लोग यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि यार वो देखो सामने की तरफ में जो मेन गेट है ना वहां पर दो तीन बंदे अपना आरपीजी लेकर आ गए हैं जिनके मैं रख रख के बजा रहा हूं, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी ट्रेवर भी इस टाइम पर पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया। ये देखो भाई किस तरीके से यहाँ पर ट्रेवर लड़ रहा है, वो भाई सामने से एक के बाद एक बंदे यहाँ पर आरपीजी लेकर आ जा रहे हैं। नहीं 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 मेरे नहीं, ओ भाई मेरे शॉट, ओ भाई बच गया। ये वाला जो शॉट है भाई काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, बट सही हम लोग सही टाइम पर कवर में पहुंच गए। फिलहाल यहाँ पर छुपते हैं। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल एक एक करके अपने सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। भाई इस टाइम पर ये जो आरपीजी चला रहे हैं ना भाई बहुत ही गंदी तरह बंदूकें बज रही है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल ट्रेवर को मैंने अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि यार इस टाइम पर ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी ना हमें कुछ भी करके अंदर घुसना ही घुसना है, और अगर एक बार हमने बिग माफिया के भाई को खत्म कर दिया ना तब तो यार ये लोग अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिना जल्दी से यहाँ पर मैं इस वाले टैंक के अंदर बैठता हूँ, और यही एक टैंक है जो कि इन सभी बंदों का भूत बना सकता है। तो फिलहाल ट्रेवर कहाँ पर रहेगा भाई, फाइट वाइट मत ले, जल्दी से आगे इस टैंक में बैठ, क्योंकि यार इस टाइम पर ना बहुत ज्यादा खतरा है। और अपने दोनों हेलीकॉप्टर यहाँ पर ब्लास्ट हो चुके हैं, जितनी गाड़ियां इधर थी वो भी सारी ब्लास्ट हो गई है। तो फिलहाल ट्रेवर ना पीछे वाली सीट पर आकर बैठ चुका है, और इनका वाला हेलीकॉप्टर तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बाकी यार एक बार आप लोग एक बार ध्यान से देखो, हमारा हेलीकॉप्टर एक आरपीजी में फूट गया और इनके हेलीकॉप्टर ने कम से कम तीन आरपीजी खा ली। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग अपने टैंक को अंदर लेकर जाने वाले। ओ भाई साहब एक टक्कर में देख रहे हो कैसे पीछे कर देने अपने टैंक को। फिलहाल ना यहाँ पर एक सेकंड रुको। ओके गाइस, ओ भाई 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 रुक जाओ, फिलहाल मेरे को ना अंदर जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वैसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर ना आप लोग ध्यान से देखो, ट्रैवर पता है अंदर बैठ के क्या कर रहा है, ग्रेनेड लॉन्चर चला रहा है। ये देखो अंदर एक के बाद एक ग्रेनेड लॉन्चर चलाए जा रहे हैं, बट जैसे मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना सारे के सारे सामने खड़े बंदे आरपीजी मार रहे हैं। भाई ये बंकर तो बहुत तगड़ा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं सामने की तरफ में बिल्कुल नहीं देखने वाला, अभी जल्दी से मैं अपने टैंक को ना यहाँ से अंदर घुसेड़ देता हूँ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपने टैंक को तो अंदर लेकर आ चुका हूँ, बट सामने की तरफ में ना अभी और भी काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं बिग माफिया के भाई के जो बॉडीगार्ड्स हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जितनी भी इसकी रेंज रोवर थी ना जिसके अंदर ये एकदम फुल चोर में घूमा करता था वो मैं सारी की सारी ब्लास्ट करने वाला हूँ। वो देखो सामने की तरफ में एक और गाड़ी खड़ी हुई है, और यार यहाँ पर ना ऊपर अभी काफी सारे बंदे हैं। और एक सेकेंड, ओ भाई साहब पीछे की तरफ में भी तीन तीन बंदे मेरे रख रख के बजा रहे हैं। वही मैं सोचूं आखिरकार गोलियां अपने पड़ कहाँ से रही है। अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाएं, क्योंकि ये जो टैंक है ना अगर इसकी एक भी गोली इसके भी आसपास चल गई, मान लो अगर बाय चांस मेरे से जमीन पे चल गई ना, तो सीधी सी बात है ये जो टैंक है यहीं ब्लास्ट जाएगा और हम लोग यहीं कहीं मर जाएंगे। इसलिए ना यार छोटी जगह पर मुझे नहीं चलानी चाहिए, मैं इसे ओपन फील्ड या फिर अंदर एंटर होने के लिए लाया था। अभी ना
जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से ना गाइस यार इस वाले टैंक से ना बाहर निकलते हैं। बाकी ट्रेवर भी अपने साथ है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और बंदे को हम कितनी बुरी तरह मार रहे हैं, और एक सेकंड सामने से ना कोई आरपी, तो गाइस यार सामने से ना हमें कोई शायद से आरपीजी मारने की कोशिश कर रहा है। तो यही था वो बंदा, अभी फिलहाल मैंने इसके रख रख के बचा दिया है। और पीछे की तरफ में भी एक बंदा है, यहाँ पर अभी फिलहाल इसके भी मैं रख रख के बचाने वाला हूँ। तो ये जो गाड़ियन है इस टाइम पर पूरी की पूरी जल रही है, वो तो अच्छी बात है कि नीचे से थोड़ी बुझी हुई थी और हमें थोड़ा बहुत कवर मिल गया। बट अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में भी कुछ बंदे हैं, तो रुक जाओ पहले ना मुझे यहाँ से वापस ही निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर पीछे से ड्राइवर भी मेरे को अच्छा खासा कवर दे रहा है। बाकी यार ऊपर की तरफ में ना भी काफी सारे बंदे हैं, तो सबसे पहले ना भी हमें इन्हें मारना पड़ेगा ताकि यार हमें कम से कम पीछे से तो कम से कोई मारे ना। फिलहाल यहाँ पर मैंने इनको मार दिया, अभी बस हमें ना यहाँ पर एक ही साइड से फाइट लेनी है। एक काम करता हूँ, AK-47 की जगह ना मैं अपनी M249 चलाऊंगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी इसमें बस यही दिक्कत है कि ढंग से निशान नहीं लग पाता। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इन सबको मार दिया, बट पीछे की तरफ में भी और भी काफी सारे बंदे बचे हुए हैं, इसके रख रख के बचा दिया। बाकी एक बंदा और अंदर था, और यहाँ पर एक टनल बनी हुई है, पता नहीं आ रही है टनल कहाँ जाती होगी। अभी फिलहाल हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अभी ड्राइवर को जल्दी से आगे लेकर चलना है एंड बिग माफिया की भाई को ढूंढना है। अब जहां तक मुझे लग रहा है वो 100% यहीं पर होगा, तभी इधर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। अभी फिलहाल मैंने इसको मार दिया, अभी जल्दी से हम लोग यहां से ऊपर चलते हैं क्योंकि ये जगह मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बट मुझे पहले कवर लेना पड़ेगा क्योंकि सामने से जो बंदे हैं ना वो सीधा आरपीजी मार रहे हैं, तो अभी फिलहाल उनसे फाइट लेना खतरे से खाली नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग जल्दी से ना यहां से घूम के आगे चलते हैं ताकि हमें एकदम बढ़िया तरीके से व्यू मिले। और वो देखो सामने की तरफ में कितने ज्यादा, ओ भाई इस गाड़ी ने मेरे को बचा लिया, वरना तो भी बहुत ही बुरी तरह मेरे आरपीजी पड़ती। उन लोगों ने सीधा 4-5 आरपीजी मेरे ऊपर फायर करी थी, बट अभी फिलहाल मैं सही टाइम पर बच गया। अभी ड्राइवर के साथ साथ चलेंगे। और एक सेकंड, ओ भाई साहब मैं तो यहाँ पर एकदम गलती से आकर फंस चुका हूँ, मुझे ना पहले ये टॉप के आगे जाना पड़ेगा। एंड अभी ना मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसी स्नाइपर को निकाल के इनके बजाना। एक बंदा यहाँ पर था, सही टाइम पर मैंने इसके मार दिया क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस तरीके से हमारे ऊपर अटैक करने वाला था। बाकी ये बंदे को कोई बीमार, ओ एक सेकंड यहाँ पर अपने पीछे से पड़ी है, शुक्र है कि आरपीजी नहीं पड़ी। बाकी रुक जाओ ये निकल यहाँ से, एक बंदा गया। अभी ना इसी तरीके से मैं एक एक करके ना इनके सारे के सारे बंदे मारने हैं, और एक बार में ये मरते भी तो नहीं है, दो दो शॉट मारने पड़ रहे हैं इनके। फिलहाल ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर कवर ले लेते हैं, और इनका कुछ पता नहीं है ये लोग कभी भी दोबारा उठ सकते हैं। जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, M249 निकाल के पूरी की पूरी रीलोड लगानी है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल जब मैंने सामने की तरफ में देखा था तो वो जो बड़ा वाला गेट है ना वो खुला हुआ था, बट अभी बिना फिलहाल एक बॉडीगार्ड वहां से बाहर निकला और उसने ना वाला जो गेट है वो बंद कर दिया है। और अभी ना फिलहाल ये लोग ना मुझे बहुत ही गंदी तरह आरपीजी मार रहे हैं, तो सबसे पहले ना मुझे इन सबको डाउन करना पड़ेगा। और अभी सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि मुझे अभी तक ना यहाँ पर बिग माफिया का जो भाई है वो नजर नहीं आया है। यहाँ पर एक एक बंदों को मैं मारे जा रहा हूँ, सही टाइम पर मैं साइड हो गया। और ड्राइवर का भी लक अच्छा था कि उसके इनकी आरपीजी नहीं लगी, तो एक बंदा यहाँ पर गया एंड ये जो दूसरा है ये भी अब जाने वाला है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया एंड अभी फिलहाल सारा का सारा रास्ता क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। जितने भी बंदे थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर क्लोज में भी काफी सारे बंदे हैं, तो अभी फिलहाल पहले तो इनको भी मारना जरूरी है। काफी तकड़ी तकड़ी ऑटो राइफल्स लेकर बैठे हुए हैं, जल्दी से ना हम लोग अंदर चलते हैं। ओ भाई अंदर मुझको पता था यहाँ पर घुस के बैठे हुए हैं, इनके मेरे को चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बेटा छुपोगे तो और गंदी तरह मरोगे। तो चलो ठीक है इन सबको मार दिया है। बाकी यार ये जो मिलिट्री वालों की आउटफिट है ना सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी है, इसको पहन करना एक फौजी वाली लुक आ रही है रियल। ओ एक सेकंड यहाँ पर अंदर और भी काफी सारे बंदे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को मार दिया, बट सामने की तरफ में ना एक बंदा और है, भी जल्दी से हम लोग इसको भी डाउन करते हैं। तो शायद से ये भी मारा जा चुका होगा, बट मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता भाई, इनकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए ना एक स्नाइपर बजाना भी बनता है। बाकी यहाँ पर ओ भाई अंदर भी बंदे बैठे हुए, निकल यहाँ से, दोबारा उठने की कोई कोशिश मत करे, रुक जा एक सेकंड निकल यहाँ से, बाकी और कोई तो नहीं है ना आगे पीछे। चलो ठीक है भी फिलहाल ये वाला रास्ता तो क्लियर है मुझे ओ तेरी भाई हर रूम के अंदर बंदे बिठा रखे हैं। एक सेकंड सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा तगड़ी थी, एक तो ये माफियास का सीन नहीं समझ आता भाई, तगड़े तगड़े बंकर बनाकर रखते हैं। बाकी इस वाले रूम के अंदर तो मैं गए, ओ भाई साहब दो दो बंदे छुपकर बैठे हुए थे। सही है निकलो यहाँ से, तो भी दोनों को मैंने मार दिया है, बट अभी फिलहाल मेरे को सीन नहीं समझ आ रहा भाई यहाँ क्या है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल इस सीक्रेट बंकर में जितनी भी सिक्योरिटी थी जितने भी बॉडी गार्ड थे ना हमने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है, लेकिन अभी तक हमें बिग माफिया का भाई तो नहीं मिला। बट अभी ना उसके भाई का एक मैसेज आया है और उसके अंदर उसने लिखा है कि बस ना एक बार अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो और जूम करके ना सामने की तरफ में देखो, मुझे
नहीं पता वो किसके उस सामने की तरफ देखने के लिए कह रहा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये वाला जो बंकर का गेट है, जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए थे तो ये वाला गेट ना पूरा खुला हुआ था, बट अभी ना फिलहाल ये वाला गेट आधा बंद हो चुका है। तो एक बार जल्दी से मैं अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके यहीं पर सामने जूम करके देखता हूँ, और गाइस यार वो देखो सामने की तरफ में, सबसे पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, बिग माफिया के भाई ने फ्रैंकलिन को यहीं पर किडनैप कर रखा है। मुझे पता था गाइस कि ये बंदा ना कोई गड़बड़ करेगा। फिलहाल ना जल्दी से मैं अपनी गन बाहर निकाल लेता हूँ, पीछे से कोई ना आ जाए, भाई पूरा का पूरा सीन ही खराब कर दिया। और इस टाइम पर मैं इसे मार भी नहीं सकता क्योंकि यार ये ना बुलेट प्रूफ कवर में है। अभी मुझे नहीं पता ये हमसे क्या चाहता है, अगर इसको फ्रैंकलिन को मारना होता ये पहले ही मार देता। तो बिना इससे एक बार हम लोग शांति से बात कर लेते हैं। तो गाइस यार देखो बिना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से कॉल पे बात हो चुकी है, और गाइस वो ये कह रहा है कि अगर तुम फ्रैंकलिन को यहाँ से जिंदा ले जाना चाहते हो तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, जैसे पहले तुम मेरे लिए काम करते थे अभी भी तुम्हें मेरे लिए ही मेरे नीचे काम करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी बात हो चुकी है, और बस वो ये कह रहा है कि तुम ना उसे प्रूफ कर दो कि हम अभी भी उसके नीचे काम करने के लिए रेडी हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक बैंक है यहाँ पर, बैंक ऑफ लिबर्टी, जो कि लिबर्टी सिटी में होना चाहिए था बट लॉस सैंटोस में वो बैंक खुल चुका है पता नहीं क्यों। तो ये चाह रहा है कि हम लोग ना उस बैंक को पूरा का पूरा तबाह कर दें ताकि जो लिबर्टी का बैंक है वो लिबर्टी में रहे। मुझे नहीं पता इसको इसके लिबर्टी से क्या दिक्कत है, बट हाँ अभी फिलहाल ये जो काम है इसके लिए करना ही पड़ेगा। तभी यार ये फ्रैंकलिन को छोड़ने वाला है। बिना जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड फटाफट से लेस्टर को कॉल करके पूरा का पूरा सीन बताते हैं। एक तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार जिस टैंक में बैठकर हम लोग इस टनल के अंदर आए थे, इस बंकर के अंदर आए थे, वो टैंक कहां पर चला गया। मतलब यार यहीं से हम लोग सीधा लाए और अभी फिलहाल वो टैंक भैया हमें मिल ही नहीं रहा। और अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यार मौसम ना बहुत ही गंदी तरह खराब हो चुका है। चलो कोई नहीं, बारिश वगैरह भी चलते रहनी चाहिए। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाकी ड्राइवर कहाँ पर रह गया, अभी इसका स्पेशल मेरे को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जब तक एक काम करता हूँ, मैंने एक गाड़ी वगैरह का जुगाड़ करता हूँ। बेचारे जितने भी मिलिट्री वाले बंदे हमारे साथ आए थे ना, सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह मारे गए हैं। वो देखो एक हेलीकॉप्टर कहाँ पड़ा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर इधर पड़ा हुआ है। जल्दी से ना अपनी मैं गन बाहर निकलता हूँ। भाई मिलिट्री वाला बंदा, अरे अरे हेलो गाड़ी रोक दो यार, मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मेरा है, ठीक है। जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकलो, बिना फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेकर चलते हैं। एंड ड्राइवर कहाँ रहेगा भैया, कब बाहर आएगा, जल्दी आ जा भाई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर भी अपना बंकर से बाहर निकल कर आ चुका है। तो अभी जल्दी से ना इसको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं एंड फटाफट से ना कॉल करते हैं सीधा लेस्टर को, क्योंकि यार अभी फिलहाल ये जो बैंक की चोरी करनी है ना हमें, बेसिकली हमें पैसा चुराने के लिए चोरी नहीं करनी, पूरे को पूरे बैंक को तबाह करने के लिए चोरी करनी है। हमें पैसा चुराने से ज़्यादा ना बैंक को तबाह करने पर ध्यान देना है। तो अभी फिलहाल ये सब बातें ना हमें पहले तो लेस्टर को बतानी पड़ेगी, तभी हम लोग फ्रैंकलिन को बचा पाएंगे। वैसे यार देखो मुझे मालूम है कई बार हमें फ्रैंकलिन ने भी मारने की कोशिश करी थी, बट यार दोस्तों वो अपना काफ़ी बढ़िया था, उसे बिग माफिया के भाई ने ना पूरा भड़का दिया था, लेस्टर ने भी ऐसे कहा था। तो अभी फिलहाल हमें कुछ भी करके उसे बचाना ही बचाना है। तो अभी जल्दी से हम लोग सबसे पहले निकलते हैं सीधा लेस्टर के पास। तो चलो गाइस फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं, बस मुझे ना आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस में। और वहां पर जाकर ना अभी उससे हमें मेन डिस्कशन करनी है कि अभी हमें बिग माफिया के भाई के लिए काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे लेस्टर भी इस टाइम पर बोलेगा ही करना चाहिए, क्योंकि अभी ना हमें कुछ भी करके फ्रैंकलिन को बचाना ही बचाना है। तो अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। बाकी बारिश ना बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और मुझे नहीं लगता कि कल ये सुबह तक भी रुकने वाली है। तो चलो कोई नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर खड़ा करते हैं। किस गाड़ी से गए थे और किस गाड़ी से आ रहे हैं और क्या बनकर गए थे, क्या बनकर आ रहे हैं। तो फिलहाल इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी तब भी हम लोग यार फ्रैंकलिन को नहीं बचा पाए, ना ही बिग माफिया के भाई को मार पाए, बट कोई नहीं जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। हार तो हम लोग बिल्कुल भी मानने नहीं वाले हैं, तो गेट खुल जा भैया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपने सीक्रेट बेस के अंदर चलते हैं। और ये जगह ना गाइस मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लगती है, मतलब यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि अभी ना हमें कोई भी खतरा नहीं है। बाकी गाइस सर एक सेकेंड, ये इन दोनों को क्या आ गया, ओ भाई साहब यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है इन दोनों की भी कोई बहुत तगड़ी लड़ाई हुई हो जैसे। तो गाइस देखो बिना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि जब ये लोग मिलिट्री बेस से लॉस सैंटोस वापस आ रहे थे तो इन्हें बीच रास्ते में ना लिबर्टी सिटी के 100-200 गुंडे मिल गए, और वो लोग इनसे बस एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि माइकल कहाँ पर है। और जब इन दोनों ने नहीं बताया अपने बारे में तो उन सभी गुंडों ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह मारा। वो तो अच्छी बात है कि अंडरवाटर माफिया को हम लोग यहीं पर छोड़कर गए थे, मतलब कि ये दोनों साथ थे इसलिए जैसे तैसे बचकर यहाँ पर आ गए। अभी फिलहाल मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार वो लोग कौन हो सकते हैं। अभी जल्दी से ना गाइस एक बार हम लोग लेस्टर से बात कर लेते हैं।
तो गाइस लास्ट नाइट हम लोग लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस में रुक गए थे और लेस्टर ने पूरी रात भर जाकर उस बैंक में हाइस्ट करके उसे तबाह करने के लिए एक बहुत तगड़ा प्लान बना लिया है जिसकी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने और ट्रेवर ने अपने कपड़े बदल लिए और लगा लिया एक बहुत तगड़ा मास्क। फिलहाल मेरा वाला तो फिर भी उतना अच्छा नहीं है, बट ट्रेवर का मास्क देखो कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा मास्क ज्यादा तगड़ा लग रहा है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। अभी फिलहाल ज्यादा टाइम पास नहीं करना, अभी मेन जो प्लानिंग है ना बैंक ऑफ लिबर्टी की हाइस्ट की उसे पूरा करना है। तो कह रहा है हम लोग ना एक ड्रोन भेज करना पहले अंदर चेक कर लेंगे क्योंकि हो सकता है भाई वो यहां का बैंक नहीं है तो सिक्योरिटी कुछ ज्यादा हो। वैसे इतना ज्यादा बड़ा बैंक तो नहीं है बट हां कुछ पता नहीं अंदर कितना पैसा होगा। अभी फिलहाल लेस्टर पूरी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद इस ड्रोन को लेकर हम लोग जाने वाले हैं। पहले बैंक के अंदर ड्रोन को भेजेंगे उसके बाद पूरा चेक आउट करने के बाद खुद जाएंगे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर ने मुझे वो एलएसपीडी का स्पेशल ड्रोन जो है एक सूटकेस के अंदर डालकर दे दिया है और साथ ही मैंने अपने साथ एक बड़ा सा बैग भी ले लिया है ताकि जितना भी पैसा हम लोग उस बैंक से लूटें उन सभी पैसों को मैं इसके अंदर डाल के अपने पास ले आऊं। वैसे यार देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिग माफिया का भाई हमें पैसा ले जाने दे क्योंकि यार इस टाइम पर ना उससे पैसों का लालच हमसे भी ज्यादा है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल हम लोग यहां से निकलते हैं सीधा उस जगह पर मतलब बैंक ऑफ लिबर्टी जाने के लिए और वहां पर जाकर पूरा का पूरा एरिया चेक करते हैं पहले ड्रोन से फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मली चेक करने वाले हैं। तो अभी जल्दी से सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। वैसे मेरी गाड़ी नहीं, हमने बीच रास्ते से चुराया था इसको। अभी फिलहाल ड्राइवर अपना पीछे बैठ चुका है तो बिना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा बैंक ऑफ लिबर्टी। एंड गाइस यार इस टाइम पर ना देखो बारिश रुक चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, वरना अगर कल को बाय चांस हमारे पीछे पुलिस पड़ती है, वैसे मेरे को नहीं लगता कि पुलिस पीछे पड़ पाएगी क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग के साथ चोरी होने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं यार प्लान तो बस रात रात में बना है, बट ऐसा नहीं है, ये प्लान बहुत ज्यादा तगड़ा है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा बट लेस्टर ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो सीन अभी कुछ ऐसा है, पहले हम लोग ना बैंक के अंदर एक ड्रोन भेजेंगे जिससे मैं पूरा सीन पता चल जाएगा बैंक के अंदर कितनी सिक्योरिटी और कहां पर क्या क्या पड़ा है, कितना पैसा, सब कुछ। उसके बाद हम लोग सीधा खुद जाएंगे बैंक के अंदर एंड फाइट वगैरह लेंगे नहीं, चुपचाप से जाएंगे जो एक आध सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनको मार के पैसा चुरा के चुपचाप से बाहर निकलेंगे। तो गाइस यार बातों के चक्कर में ना मैं आपको बताना ही भूल गया कि बैंक तो मैं चुपचाप से लूटने ही है कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी पता ना चले, बट हाँ लूटने के बाद ना मैं बैंक को पूरा का पूरा तबाह कर देना है। तो अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ सीधा उस वाले बैंक में, तो यही है वो बैंक, बट अभी ना फिलहाल हम लोग अंदर नहीं जाने वाले। सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो गली है ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आता जाता होगा। फिलहाल पीछे कुछ बंदे आ रहे हैं बट ये तो फिलहाल कुछ फालतू बंदे हैं तो इनको इग्नोर ही मारते हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं एंड फटाफट से गाइस यार अपना ना ड्रोन यूज करते हैं अब। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी से अपने ड्रोन को बाहर भेज दिया है और यहाँ पर जो अपना नॉर्मल एक टैबलेट होता है उससे हम लोग इस ड्रोन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट यार इसको कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यार ये जो ड्रोन है ना बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है भाई, 3 सेकंड के अंदर ही इतनी ज्यादा हाइट गेन कर गए। तो चलो कोई नहीं, बिना फिलहाल इसे बहुत कम स्पीड में मेरे को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी ज्यादा तेज है ना कि मैं बैंक के अंदर गेट तक ही नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसे मैं हल्का सा आगे जाना चाह रहा हूँ, ये सीधा देखो भैया कितनी ज्यादा स्पीड कर ले रहा है। फिलहाल ना इसको एक बार ही ना आराम से नीचे लेकर चलते हैं। बाकी यार अच्छी बात तो यह है कि अभी ना फिलहाल गेट भी खुला हुआ है क्योंकि अगर गेट बंद हो गया ना तो फिर अंदर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी यार बंदों का ध्यान तो इस पर नहीं जा रहा है। वैसे लेस्टर ने कहा था इसका साउंड ना बहुत कम है बट मुझे तो कहीं से भी इसका साउंड कम नहीं लग रहा और ये बंदा देखो ड्रोन को देख के डर रहा है। यार इसकी नजर में ड्रोन आ गया है, मुझे ना थोड़ा बहुत एकदम आराम से ले जाना पड़ेगा इसका साउंड क्योंकि कम नहीं है, काफी ज्यादा तेज साउंड है और अगर उस बंदे ने यानी उस बॉडीगार्ड ने से देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले ना एक बार क्या करते हैं इसको जमीन पे उतारते हैं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मैं अपने ड्रोन को यहां तक तो लेकर आ चुका हूं, सामने की तरफ में जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसका भी ध्यान अभी तक इस पे नहीं गया है। तो बिना जल्दी से हम लोग इसे अंदर लेकर चलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने ड्रोन को बैंक ऑफ लिबर्टी के अंदर तो लेकर आ चुका हूँ बट यार अभी ना फिलहाल ये जगह मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है क्योंकि यार यहाँ पर ना काफी ज्यादा बंदे हैं जिसमें से 2 से 3 बंदों ने तो मेरा ड्रोन देख भी लिया है बट अभी ना फिलहाल उन लोगों ने कुछ बोला नहीं क्योंकि ये LSPD वालों का है, इस पे साफ साफ पुलिस लिखा हुआ है। और अभी ना फिलहाल जल्दी से एक काम करते हैं, इसके 360 कैमरे से जितना व्यू मिल रहा है ना वो सारा का सारा देख लेते हैं। फिलहाल ज्यादा कुछ तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा बट हाँ वो देखो मेरे को वॉल्ट नजर आ गया और वॉल्ट के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। तो गाइस यार देखो मुझे ना यहाँ पर 5 से 6 बॉडीगार्ड्स तो नजर आ रहे हैं जो कि इधर से उधर घूम के राउंड भी लगा रहे हैं। ओ एक सेकंड ये क्या हुआ। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम आ चुका है असली तबाही मचाने का। तो अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी आगे लेकर चलते हैं एंड फटाफट से ना गाइस यार यहाँ पर एक छोटा सा यूटर्न मार लेते हैं क्योंकि गाइस यार अभी ये जो गाड़ी है ना मैं सीधा अंदर घुसेड़ने वाला हूँ इस बैंक के क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि बैंक ऑफ लिबर्टी है, बहुत तगड़ा नाम है तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होगी, बहुत सारा पैसा होगा। फिलहाल सिक्योरिटी तो उतनी तगड़ी नहीं है, पैसा अभी अंदर जाके पता चल जाएगा। तो चलो गाइस टाइम आ चुका है, बिना जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। बाकी सामने की तरफ में एक गाड़ी किसने लाकर खड़ी कर दी घटिया से, अब
बस ये गाड़ी ना हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना दे। 3, 2, 1 लेट्स गो। मोटे हट जा बीच रास्ते में, मतलब पिट्टी एरिया से की दसी। भी फिलहाल गाड़ी गाइस यार हम लोग यहाँ पर अंदर ही लेकर आ चुके हैं क्योंकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं पसंद। जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी यहाँ पर हम लोग खड़ा करते हैं एंड फटाफट से बाहर निकलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अलार्म वगैरह बजने लग गए। तो एरिया से की दसी निकल यहाँ से। भी जितने भी गार्ड्स हैं ना गाइस सारे के सारे हमसे बहुत गंदी तरह मरने वाले हैं। डरने का नहीं, लाइन से सारे के सारे मारे जाओगे। पूरा बैंक तबाह करना है इसलिए यार मैं ना सबको मारने वाला हूँ ताकि ये जो लिबर्टी वाले बंदे हैं ना यहाँ पर दोबारा बैंक खोलने की सोचे भी ना। फिलहाल जितने बंदे थे ना मैंने सबको मार दिया है। बाकी लेस्टर भी अपने साथ कॉल पे है, वो ए टू जेड चीजें मैं बताता रहेगा। और एक सेकंड तुम भी निकलो यहाँ से, कोई भी नहीं बचेगा भाई, गलती कर दी तुमने इस बैंक में आके। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में जितने भी बंदे थे उनको तो यहाँ पर हमने मार के डाउन कर दिया, बट अंदर वाले रूम में भी एक बंदा बैठा हुआ है। बट एक सेकंड मुझे तो लग रहा था ये जो वॉल्ट है ये खुला हुआ है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट गाइस यार यहाँ पर तो पूरे का पूरा पासवर्ड लगा हुआ है जिसकी हमें हैकिंग करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल चलो लेस्टर से करवाते हैं, देखते हैं लेस्टर खोल पाएगा तो बढ़िया है। बिना एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर वगैरह ना इन सभी को हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसकी भी खोपड़ी तोड़ डाली और पीछे से ना और भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं जिसको ट्रेवर एकदम मस्त तरीके से संभाल रहा है। और अभी ना हमें डर थोड़ा बहुत पुलिस से है क्योंकि यार हम लोग इस तरीके से अटैक करना नहीं चाहते थे, बट हाँ यार ये मजबूरी थी वरना हमारी डायरेक्टली एंट्रेंस नहीं हो पाती। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं जल्दी से लेस्टर को कॉल लगाकर पूछता हूँ कि आखिरकार ये वाला जो पासवर्ड है इसे हम कैसे खोलेंगे ताकि हम अंदर जा पाए बैंक के, वरना अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं लूटा है। जहां तक मुझे लग रहा है ना इसके अंदर आई डिटेक्शन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि इसके अंदर आई डिटेक्शन नहीं है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट और कार्ड है। तो अभी ना फिलहाल एक मेरा जो कार्ड है ना वही मुझे इसके अंदर लगा देना है, बाकी कह रहा है लेस्टर सारा कनेक्शन वगैरह कर लेगा। तो जल्दी से ना इस कार्ड को हम लोग अंदर लगाते हैं और अपना फोन जैसे मैंने कनेक्ट करा है ओके। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अपनी हैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो थंब है ना मुझे ये बनाना है, अपने पास कार्ड हो चुका है थंब नहीं है, लेकिन फिलहाल जल्दी से हम लोग इसे बनाते हैं ठीक है। अपने पास टाइम लिमिट तो नहीं है, टाइम एकदम अनलिमिटेड दे रखा है तो जब तक चाहे हम लोग तब तक बना सकते हैं, बट हाँ ठीक बनाना है। तो अपने तीन पैटर्न तो ठीक हो चुके हैं, बाकी ये भी एकदम परफेक्ट है, इसको भी हम लोग एकदम सही तरीके से मैच कर देते हैं ओके। तो अभी ना एक काम करता हूँ, मैं पहले नीचे वाला मैच करता हूँ ठीक है। तो ये अपना बॉटम भी फिक्स हो चुका है एंड ये भी ठीक है एंड ये ओके। तो शायद से इसमें कोई मिस्टेक ओके। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने इसे हैक कर लिया है ओके। तो चलो गाइस ये वाला जो शटर है खुल चुका है एंड अभी ना फिलहाल हमें अंदर जाना पड़ेगा, बाकी ट्रेवर बाहर ही है क्योंकि बाहर से काफी सारे पुलिस वगैरह आ सकते हैं तो उनको संभालने के लिए ट्रेवर है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा इस बैंक के अंदर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं ओके। तो सामने की तरफ में यहाँ पर एक बंदा और है, मुझे लग रहा था नीचे कोई ना कोई बॉडीगार्ड हो सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको तो मार दिया है, बाकी यार यहाँ पर एक गेट और है और मुझे नहीं पता ये वाला जो गेट है कहाँ से खुलेगा, बट हाँ मुझे ही तो पता है। बिना फिलहाल जल्दी से काम करते हैं, स्टिकी बॉम्ब लगाकर देख लेते हैं, अगर खुल गया तो बढ़िया है, नहीं खुला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने टोटल 3 स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं। अभी जल्दी से मैं पहले थोड़ा सा पीछे चलता हूँ एंड फटाफट से वाला जो बॉम्ब है इसे ब्लास्ट कर देते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर गेट तो खुल गया है, बट ये वाला जो गेट है यहीं पर अटका रह गया, कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है यहाँ पर कुछ ज्यादा मजबूती से काम हुआ है, अभी रख के एक बॉम्ब मारूंगा एंड फटाफट से हम लोग ये वाला जो गेट है इसको भी तोड़ डालते हैं। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पर पूरा का पूरा जो गेट था ना हमने अच्छे से तोड़ दिया है एंड फटाफट से गाइस हम लोग अंदर चलते हैं। बाकी इधर आप लोग एक बार ध्यान से देखो कितना ज्यादा गोल्ड है, बट यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, बट कोई नहीं बिना फिलहाल जितना भी गोल्ड है सारा का सारा हम लोग यहाँ से लूट कर ले जाने वाले हैं। बट हाँ सबसे पहले मैं अंदर जाकर देखने वाला हूँ अंदर क्या चीज है। और सब यहाँ पर भी बंदे बैठे हुए हैं, छुप छुप के मारोगे तुम्हारी ऐसी की तरह। ये बैंक के इस जगह पर बंदे क्या कर रहे हैं कोई ये नहीं समझ आ रहा। बाकी एक बंदा यहाँ पर भी मैंने सही टाइम पर इसे भी नोटिस कर लिया था और अभी फिलहाल रख के इसके भी बचा दिया है। बिना गाइस जल्दी से हमें सारा का सारा पैसा लूटना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपना बैग बाहर निकाल लिया और यहाँ पर पैसा लूटना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं, अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा ना उतनी जल्दी यहाँ पर मैं सारा का सारा पैसा अपने बैग में भरने वाला हूँ। फिलहाल बगल में जितना पैसा मैंने उठाया ना बगल में इतना और पड़ा है, तो जल्दी से हम लोग इसको भी यहाँ पर चुपचाप से उठाते हैं ओके। तो अभी बहुत ज्यादा पैसा गाइस इस टाइम पर अपने पास होने वाला है, ये देखो भाई पूरी की पूरी बारात हो जाएगी एंड इस टाइम पर ये जो अपना बैग है ना पूरा भरने वाला है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लेफ्ट साइड में जो बाकी बचा कुछ पैसा पड़ा हुआ था वो भी मैंने सारा का सारा उठा लिया है। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे की तरफ में इतना पैसा और है और साथ में यहाँ पर काफी सारा गोल्ड भी है। जितना भी ये गोल्ड है ना सारा का सारा अपने बैग में उठाकर डाल लेते हैं जल्दी से। अभी ना फिलहाल जितनी जल्दी मैं क्लिक करूंगा ना उतनी जल्दी यहाँ पर ये पैसा अपने बैग में आएगा। तो ओके तो भी फिलहाल सारा पैसा हो चुका है, लेफ्ट साइड में उतना ही गोल्ड भी है। तो भी जल्दी से गाइस इसको भी कलेक्ट करते हैं और मुझे नहीं मालूम इस टाइम पर ये कितना हो चुका है, वैसे $2 मिलियन ही है ये, बाकी गोल्ड इसमें शायद काउंट नहीं हो रहा। जब गोल्ड बिकेगा तो वो जो प्राइस है ना
वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल हाँ कैश तो इतना ही है, कैश उस टाइम पर $3 million हो चुका है। अभी फिलहाल यार ये वाला जो गेट है ये भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी मुझे नहीं पता कि इस गेट को मैं कैसे खोल सकता हूँ। अपने पास एक ही इलाज है, यहाँ पर जल्दी से ना हम लोग एक बॉम्ब लगाते हैं एंड फटाफट से इसको फोड़ के वाला गेट खोल लेते हैं। बट यार ये तो काफी ज्यादा मजबूत है, रुक जाओ इस बार ही ना मैं दो बॉम्ब लगाता हूँ, अभी ये खुल जाना चाहिए ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके तो भाई इसके अंदर मेरे को पक्का लग रहा है कुछ ज्यादा पैसा ही है। अभी एक काम करता हूँ, मेरे पास जितने भी स्टिकी बॉम्ब्स है ना इसको ना एकदम कॉर्नर पे लगाता हूँ, क्योंकि अगर कॉर्नर पे लगेंगे ना तो एकदम ये बढ़िया तरीके से खुलेगा। एंड यहाँ पर जो इसके जितने भी पॉइंट्स है ना सब पर यहाँ पर भी मैं स्टिकी बॉम्ब लगाने वाला हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल इस वाले गेट पर मैंने एकदम भर के स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं, जल्दी से इसे ब्लास्ट करते हैं एंड फाइनली ये खुल चुका है। ओके तो इसका लॉक टूट गया है, जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। एंड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर कुछ गार्ड्स, दो गार्ड्स से बेचारा एक तो यहाँ पर ऐसे ही मर गया बॉम्ब ब्लास्टिंग वजह से, तो निकल यहाँ से। बाकी गाइस यार एक बार ये आप लोग राइट साइड में देखो इतना ज्यादा पैसा है, बट अभी फिलहाल अपने पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बाहर इस टाइम पर काफी ज्यादा कॉप्स आ चुके हैं। भी जल्दी से ना जो बचा कुचा गोल्ड है ये भरते अपने बैग में, क्योंकि इस टाइम पर जो अपना बैग है ना गाइस वो भी पूरा का पूरा भरने वाला है, तो जितना हो सकेगा उतना उठाएंगे एंड उसके बाद भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि बैग भर जाएगा तो सीधी सी बात है हम लोग लूट नहीं सकते। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो धड़ाई धड़ जितना भी कैश आ सकता था अपने बैग में मैंने सारा का सारा भर लिया है, टोटल $5 million अपने पास कैश है। बाकी गोल्ड इतना ज्यादा है क्या ही बताऊं, वैसे यार इस बैंक में बहुत ज्यादा पैसा था। अभी फिलहाल ना जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ज्यादा गलत सीन हो गया है। एंड हाँ जैसा कि उसने कहा था कि तुम्हें आते आते बैंक को पूरा तबाह कर देना है, वैसे अंदर इतना ज्यादा कैश है इतना ज्यादा गोल्ड है मैं सब तबाह नहीं करना चाहता, और अभी फिलहाल मैंने इसे बस यहीं तक लूटा है। अभी यहाँ पर एक वोल्ट और है तो पता नहीं इसके अंदर कितना पैसा हो सकता है। बाकी ये वाला जो वोल्ट है ना मेरे को नहीं लगता कि ये बॉम्ब से भी खुलने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तगड़ा वोल्ट होता है। भी फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पर यार पैसा भी तबाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अभी बिग माफिया का भाई फिर फ्रैंकलिन को नहीं छोड़ेगा। अभी जो मेन पिलर्स है ना इस पे हम लोग यहाँ पर अपने स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं, एक एक बॉम्ब में ये पूरा का पूरा जो बैंक है ना टूटना शुरू हो जाएगा, बस टूटना नहीं चाहिए इसके अंदर आग लग जाए वो बहुत है। तो फिलहाल हर एक पिलर पे हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं स्टिकी बॉम्ब एंड पूरा का पूरा बैंक ब्लास्ट कर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो चल भाई इस टाइम ओ एक सेकेंड। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने एकदम भर के स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए इधर, और बाकी बाहर की तरफ में ना काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स ने भी आना शुरू कर दिया है। बट कोई नहीं बिना फिलहाल इनको हम लोग एकदम गंदी तरह मारने वाले हैं। देख रहे हो भाई कैसे भागता हुआ आ रहा है मारने के लिए, उठ के दिखा बेटा तू भाई, स्वैट सोल्जर के अंदर दम बहुत होता है, एक में ये लोग मानते नहीं। अभी देखना एक पड़ेगी, ओके तो ये वाला थोड़ा कमजोर था, वैसे पीछे वाले को देखो कितनी ज्यादा मैं उसके बुलेट्स मार चुका हूँ बट फिर भी अभी बार बार उठ रहा है। तो तुम्हें पता चल चुका है कि बैंक पर अटैक हुआ है, तो बैंक में आ किससे ले रहे हो पैसे जमा कराने, जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते। ट्रैवर कहाँ रह गया? तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रैवर भी अपना भाग कर आ चुका है, उस तरफ में एक बॉडीगार्ड को मारने में लगा हुआ था, लेकिन इसको पता नहीं है अभी बाहर अपने पीछे कितनी ज्यादा पुलिस पड़ चुकी है। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को ना यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे तो लग रहा है हमने ना अपनी गाड़ी को अंदर डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी, फिलहाल सारे के सारे शीशे तोड़ डाले इन्होंने इतने से टाइम में। अभी रुक जाओ गाइस अभी ना इनकी बैंड बजाकर हम लोग यहाँ से जाएंगे। एक काम करता हूँ पहले ना अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पर यू टर्न देते हैं एंड जितने भी स्वैट सोल्जर है ना पहले तो इनके ऊपर हम लोग SMG बजाएंगे और साथ के साथ गाड़ी भी चढ़ा देंगे, तो निकल यहाँ से। फिलहाल इसके मैंने बजा दी, बाकी यार कॉप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनसे बेमतलब में फाइट लेनी चाहिए। अभी जल्दी से जल्दी मुझे जाना है बिग माफिया के भाई के पास, बाकी बॉम्ब ब्लास्ट करना मैं भूल गया था, बट अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने स्टिकी बॉम्ब का बटन दबा दिया है तो जितने भी बॉम्ब है वो सारे ब्लास्ट हो गए होंगे अंदर। जल्दी से हमें जाना है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है बैंक तबाह हो गया होगा, वैसे मेन काम था चोरी करना और अंदर जो वॉल्ट है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना, जो कि हमने कर दिया है। जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी पकाते पकाते बिग माफिया के भाई के सीक्रेट बंकर तक पहुंचने वाला हूँ, यहाँ से भी वो ज्यादा दूर नहीं रह गया है, और अभी ना फिलहाल पुलिस वालों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, मतलब क्या इस टाइम पर वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है मेरे को लग रहा है पहले की तरह। बाकी अभी अच्छी बात तो ये है कि हमें ना एक अच्छा रास्ता मिल गया है, रेलवे ट्रैक, यहाँ पर वो लोग ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे वैसे। और अभी भी मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ, अभी जल्दी से अंदर घुसते हैं एंड एक दो दिन के लिए ना हम लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे ताकि यार थोड़ा बहुत मामला ठंडा पड़ जाए। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो क्या ही गलत नज़ारे हैं यहाँ के। जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं, गाड़ियों से बहुत ही गंदी तरह धुआं निकल रहा है। जल्दी से गाड़ी को यहाँ से हम लोग लेफ्ट मोड़ते हैं एंड लेकर चलते हैं सीधा बंकर के अंदर। ओके तो ये मैंने चढ़ा दी अपनी गाड़ी ऊपर, बाकी तो अभी हम जाने वाले हैं सीधा बंकर के अंदर। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग सारा का सारा बैंक का लूटा हुआ पैसा लेकर फ्रैंकलिन को बचाने के लिए बिग माफिया के भाई के बंकर में वापस से एक बार ही पहुंच चुके हैं। एंड अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं, बाकी इसके बंदों ने मेरे ऊपर
एम कर रखा है तो हम भी दूर नहीं रहने वाले। फिलहाल एम अपना भी पूरा इसके ऊपर रहेगा बेटा। एक बंदे की भी गोली चली ना तो ये भी साथ के साथ ढेर हो जाएगा। फिलहाल ये जो अपना कैश का बैग है ना इसको पकड़ाते हैं, इन फटाफट से अपनी डील करते हैं। ये हमें फ्रैंकलिन देगा और हम इसको कैश देंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जो कैश और गोल्ड का बैग है वो मैंने नीचे रख दिया है एंड इस टाइम पर जो मेरा एम है ना वो सीधा बिग माफिया के भाई के मत्थे पे है ताकि इसके जो बॉडी गार्ड्स है ना वो कोई भी चलाकी ना करे मेरे को मारने के लिए। अभी ना यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है और ये कह रहा है कि तुम अब जा सकते हो, वाला जो गेट हमने खोल दिया है फ्रैंकलिन से मिल सकते हो और उसको यहाँ से ले जा सकते हो। वैसे अगर देखा जाए ना तो बिग माफिया का भाई जुबान का तो यार एकदम पक्का है। इसने बोला था तुम मेरे लिए काम करो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो भी फिलहाल मैंने इसके लिए काम करा और अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो चलो अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं फ्रैंकलिन के पास। बट अभी भी एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे क्योंकि भाई इसकी कोई ना कोई साजिश हो सकती है। जल्दी से ना गाइजर हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। और गाइजर आप लोग फ्रैंकलिन को तो देख ही पा रहे हो कि इस टाइम पर बिग माफिया के भाई ने मार मार के इसकी क्या हालत कर दी है। अभी ना फिलहाल एक सेकेंड, ये सारे के सारे बंदे भी यहीं पर खड़े थे। मुझे बिग माफिया के भाई से एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी एक चीज को लेकर, लेकिन ये कहाँ चले गए मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये सारे के सारे बंकर से तो बाहर नहीं निकल गए। एक सेकेंड रुक जाओ यार, अभी जल्दी से ना एक बार मैं अपनी गाड़ी से देख कर आता हूँ आगे चलकर। मुझे तो इनमें से कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो जल्दी से गाइस अपनी गाड़ी में यहाँ से बाहर निकालता हूँ। और एक सेकेंड, ये जो बंकर है ये तो बंद हो चुका है। ओ भाई एक सेकंड, ये तो खुलेगा भी नहीं शायद से। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल बिग माफिया के भाई ने क्या करा, वो यहाँ से ना जल्दी से पैसे लेकर बाहर निकल गया और ये वाला जो बंकर है ना इसे बाहर जाकर बंद कर दिया। और मुझे नहीं पता कि ये वाला जो बंकर है खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा तो कैसे खुलेगा। अभी ना फिलहाल जल्दी से एक काम करता हूँ, पीछे की तरफ में वो कह रहा था एक टनल है, अभी ना जल्दी से हम लोग वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आखिरकार वो वाली जो टनल है ना कहाँ निकलती है। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर बिग माफिया का भाई कह रहा था वहाँ से वो बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं तो वो टनल निकलती होगी। अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़े करता हूं। और अभी एक सेकंड यार, पता नहीं ये क्या ही सीन है, उसने यार एकदम पागल बना दिया हमें भाई झटके से, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जल्दी से हम लोग इस टनल के अंदर चलते हैं। बट यार ये कोई टनल नहीं है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है द लॉस्ट एमसी। ये तो लॉस्ट गैंग वालों का स्टिकर है भाई। उसने इस टाइम ना गाइस हमें पूरा का पूरा पागल बना दिया। उस टाइम उसने बोला था कि ये पूरी की पूरी टनल है, मतलब दूर से देखने में लग रहा है कि जैसे कोई टनल की एंट्रेंस है बट पास से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम पर ना भाई बिग माफिया के भाई ने हमें पूरा का पूरा पागल बना दिया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग बिग माफिया के भाई को तो नहीं मार पाए लेकिन फ्रैंकलिन हमें मिल चुका है और अभी हम लोग इस टनल के अंदर इस बंकर के अंदर फंस चुके हैं। और अभी मुझे नहीं मालूम हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार लेस्टर कॉल करके पता करेंगे, क्या पता यहाँ से उसे कॉल भी ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर पूरा का पूरा सर्वर वगैरह लगे पड़े तो सीधी भाषा नेट की कोई कमी नहीं होगी। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 8 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नहीं चाहूंगा सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।